क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 2 है, प्रश्नवाली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आपको देखना है सिर्फ और अच्छे से यहाँ पर समझना है, ध्यान केंद्रित करना है आपका। जो आपकी आंख है वो आप पेन काफी हटा दीजिए, आपको सिर्फ देखना है, उसके बाद लिख लेना है इसको आखिरी में। यहाँ पर देखिए, निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। तो आपका क्वेश्चन तो सिर्फ यहाँ तक आ सकता है बोर्ड में के बहुपद के शून्य निकालिए, तो आपको सिर्फ क्वेश्चन दिया जाएगा और शून्य निकालने रहेंगे, ये इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ समझना है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान है। क्या है क्वेश्चन? 4s² - 4s + 1। क्या है? 4s² - 4s + 1। तो इसको लिखेंगे हम, सबसे पहले बहुपद दिया है, 4s² - 4s + 1 बराबर में 0 लगा लेना है, क्योंकि हमको शून्य निकालने हैं। अब यहाँ पर देखिए आप क्या करेंगे, हम इसका और इसका इंटू करेंगे, इसका और इसका गुणा कर लेना है आपको। सबसे पहले तो क्या आएगा, 4s² और 1 का, तो क्या हो जाएगा, 4s². अब ये जो बीच का टर्म है इसको आपको ऐसे बांटना है कि 4s² भी आ जाए और ये माइनस का 4s भी आ जाए। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2s और माइनस का 2s, तो इसको जोड़ोगे आप तो माइनस का 4s आ जाएगा और इसको इसका गुणा करोगे तो 4s² आ जाएगा, काय का प्लस का। तो ये याद रखना है आपको, याद रखना है आपको। यहां पर देखिए आप, 4s² - 4s + 1, तो हम क्या करेंगे, 4s² और इसका टुकड़ा करना है आपको। तो हमने यहां पर देखिए आप, टुकड़ा क्या है इसका, -2s और -2s, ये लिख देना है आपको, और जो प्लस का 1 है वो इधर लिख देना है बराबर में 0। अब यहां से आपको कॉमन निकालना है, कॉमन कैसे निकालते हैं ये आपको समझना जरूरी है। यहां पर देखिए आप, 2s यहां पर 4s² है और माइनस का 2s है, तो जो 2 के टेबल, 2 का पहाड़ा जो आपको याद है, नहीं याद है तो याद कर लीजिए, वो यहां पर 2 के पहाड़े में 4 आता है, तो हम 2s लेंगे कॉमन। अब यहां से आप 4s और 2s कॉमन ले लिया, तो यहां पर 4s का मतलब क्या है, 4s² का मतलब 2s × 2s, एक 2s हटा दिया हमने यहां से, कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा, 2s तो बचेगा, तो यहां पर 2s लिख देना है। अब यहां पर 2s है तो हमने 2s हटा लिया, तो क्या बचेगा, 1 बच जाएगा, और माइनस एज इट इज, अब ब्रैकेट बंद। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट लगाना है, बिल्कुल ये जो लिखा है ये एज इट इज यहां पर छाप देना है, 2s - 1 बराबर में 0। अब यहां पर क्या करें हम कि ये आ जाए, तो हमको क्या लेना है, माइनस का 1 कॉमन लेना है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2s, ये माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 1, यहां पर माइनस का 1 कॉमन लोगे तो 2s आएगा और माइनस का 1 आएगा, मतलब ये दोनों बराबर है, तो आप सही जा रहे हो, आपका सवाल सही है। अब यहां पर देखिए क्या करेंगे हम, ये माइनस का 2s - 1 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2s, ये माइनस 1 यहां पर रखा और ये दोनों एक जैसे हैं, तो एक बार लिख लेना है आपको, 2s - 1 बराबर, ये आपका आ गया, तो पूरा सवाल हो गया। अब देखिए यहां पर एक बार और समझिए, क्या करा सबसे पहले हमने, 4s² - 2s - 2s कैसे करा, इसका टुकड़ा करा ये दो बार और प्लस 1 एज इट इज, 4s² - 2s में से क्या कॉमन लिया हमने, 2s, तो 2s - 1, फिर माइनस 1 का कॉमन लिया इन दोनों में से, तो क्या बचा, 2s - 1 बराबर 0। अब यहां से हम शून्य निकालेंगे, तो क्या करेंगे, 2s - 1 बराबर, ये भी एक बार 2s - 1 बराबर 0। अब जो माइनस का एक इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का s बराबर 1/2, ये जो इंटू में है ये डिवाइड में जाएगा, ऐसा ही आप ये भी सेम है, तो ऐसा करोगे तो ये s बराबर 1/2 आएगा। अब क्या मानना है आपको, यहां पर देखिए, अब आप s बराबर 1/2, s बराबर 1/2, तो अल्फा बराबर क्या आया, 1/2, और बीटा बराबर क्या आया, 1/2,
ये शून्यक को हमको ऐसे मान लेना अल्फा और बीटा, तो पहला शून्यक 1/2 है, दूसरा शून्यक 1/2 है। अब यहाँ पर देखिए हम शून्यकों का योगफल बताएंगे, तो शून्यकों का योगफल मतलब क्या होता है, इन दोनों का जोड़ना, शून्यकों का योगफल आपको ऐसे लिखना पड़ेगा योगफल। और योगफल मतलब क्या, शून्यक दो है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और इन दोनों को जोड़े गया तो 1/2 प्लस 1/2। यहां पर आप देखिए आपको इसका इंटू इसमें करोगे तो 2, इसका इंटू इसमें तो 2 और इसका इसमें तो 4, ये आपको आना चाहिए। और अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का एस अपॉन अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए। तो यहां पर देखिए आप ये क्या आ जाएगा हमारा 4/4, इसको जोड़ोगे आप और यहां पर अल्फा प्लस बीटा और बराबर में माइनस बी अपॉन ए, ये आपको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा का बराबर क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। अब यहां पर देखिए आप जो आपका माइनस 4 है इससे आप ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी बराबर 0 से तुलना करोगे आप तो ए बराबर क्या आएगा 4 और बी बराबर क्या आएगा माइनस का 4। तो यहां पर रखोगे आप 4 और ए भी 4 है और यहां पर ये माइनस पहले से है और ये माइनस का 4 है। बी क्या है आपका, यहां पर माइनस का 4 है कि नहीं है, तो माइनस माइनस 4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और 4/4 हो जाएगा, मतलब ये संबंध सिद्ध हो चुका है आपका। अब इसके बाद देखिए आप अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल ये शून्यकों का गुणनफल करोगे आप तो क्या होगा आपका, शून्य क्या है 1/2 इंटू में 1/2 तो क्या आ जाएगा 1/4 और शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है आपका c अपॉन a। ये बात याद रखनी है आपको। अब यहाँ पर c क्या है, 1 है तो ये 1 और a क्या है 4 है तो 4, मतलब क्वेश्चन सिद्ध हो चुका है आपका, हेंस प्रूफ, यही आपको करके दिखाना है इतना सारा। और ये सारा अच्छे से आप समझ लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए और उतार लीजिए।